एक ही आदमी के नाम से कितनी बार होगी FIR दर्ज, पुलिस से उठ रहा है आमजनों का भरोसा। मामला है रीवा जिले के थाना पनवार अंतर्गत घुमन खादू ओझा पूर्वा निवासी राजकुमार ओझा तथा रिंकी ओझा द्वारा बताया गया कि गांव की ही आशा कार्यकर्ता शकुंतला ओझा के द्वारा उसके पति तथा पिता गणवत ओझा के खिलाफ 2017 से 2022 तक में 4 बार एक ही थाना पनवार में झूठी FIR दर्ज करवाती चली आ रही है। रिंकी ओझा द्वारा बताया गया कि बीते अक्टूबर माह में आशा कार्यकर्ता शकुंतला ओझा एवं उसके परिवार के द्वारा घर में घुसकर मारपीट किया, जिस पर वे तुरंत पनवार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन वहां उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 2 बार पुलिस अधीक्षक रीवा से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल सका है। आइए पूरा मामला सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ के रहने वाले? खादू से। अच्छा, आपके यहाँ क्या पुलिस आई थी, क्या कह रही थी पुलिस, क्या बोल रही? घर में रहा नहीं। अच्छा अच्छा। मार दी लड़का रहे हैं, हम पाहे थे। अच्छा अच्छा। हमारे सुने घर में घुस के भीतर चले आए रहे हैं मनिका। अच्छा, कितने बार आप घर में आ चुके हैं? 3-4 बार आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या बोलते हैं आते? कहते हैं कि उसको आदमी को ढूंढ लो। अच्छा। हम कहाँ से ढूंढ रहे? अच्छा अच्छा। 3 महीने से गायब है, पता नहीं आया है, यही लोग भगा दी, कोई पता नहीं आया, तो हम कहाँ से ढूंढ के ले। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, संबंध उम्बन नहीं दिखाया आपको, जबरदस्ती घर में घुस के माने ढूंढ? जबरदस्ती घुसा था। अच्छा अच्छा। कौन से थाने से पुलिस आई थी? पनवार थाना से। अच्छा, पनवार थाने से। आपका नाम? मेरा नाम रिंकी ओझा है, मैं ग्राम थाना से हूँ। आज सुबह 7 बजे मैं अंदर काम कर रही थी, तो हमारे घर में, हम नहीं जानते हैं क्योंकि वर्दी में वो लोग नहीं थी, विदाउट थी, सिर्फ में उसमें एक लोग वर्दी में थे जो पीछे दार आए हैं। हमारे यही अंगने में जहाँ मैं खड़ी हूँ, बस ऐसे आके सभी लोग खड़े हो गए थे, कुछ बोले नहीं है। अब मैं जब अंदर से निकली तो वो लोग खड़े थे। बाद में एक लोग आए तो मुझसे पूछे कि ये आपके पिताजी कहाँ हैं, आप थाने लेके क्यों नहीं आती हैं? तो हमने कहा हमारे पिताजी नहीं हैं, आप लोग जानिए, आप लोग भगाए हैं, क्योंकि आज 2-3 महीना हो गया घर में नहीं है। तो ऐसे ही बोले कि उनको थाने लेके आओ, धमकी उमकी देते हैं। और मैं कल जानूँ कहाँ वो हैं, ना कभी फ़ोन करते हैं, ना कभी कोई मैसेज, कुछ भी नहीं करते। कौन से थाने से कितने पुलिस वाले थे? 6 पुलिस वाले थे और पनवार थाने से आए थे। अच्छा, उसमें क्या कोई लेडीज भी थी? मैंने क्या, नहीं कोई लेडीज नहीं, सब जेंट्स थे। अच्छा अच्छा। सब गुंडे टाइप से लग रहे थे, सिर्फ एक लोग को हम जानते हैं उसमें, जिन्हें हम पहचानते हैं, बाकी हम किसी को नहीं पहचानते, हम किसी को आज तक देखे भी नहीं है। कितनी बार आ चुकी पुलिस आपके? 4-5 बार ऐसे आ चुकी, रात रात को आती है छापा पड़ने। अच्छा अच्छा। ये क्या मामला, किस लिए पुलिस आती है? 16-10-2022 को जब हमारे पिताजी घर में नहीं थे, दूध लेके चले गए थे, तो सुबह राम प्रसाद ओझा, राहुल ओझा, तनु ओझा, शकुंतला देवी ओझा हमारे घर में घुस के लाठी डंडा कुल्हाड़ी पत्थर लेके मारी हमारे मम्मी को। जब हम लोग थाने रिपोर्ट लिखाने गए तो हम लोग की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जब वो लोग कुछ देर बाद पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट लिख ली गई, इसीलिए मतलब आते हैं वो लोग घर, परेशान करते हैं। अच्छा, आपकी रिपोर्ट पहले गए तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी है ना, और बाद में गए तो उनकी रिपोर्ट लिख ली गई है ना जी। वही शकुंतला ओझा 2016 से हमारे भैया को, हमारे पापा को, हमारे पूरे परिवार को परेशान करके रख लिया। 2016 में भी रिपोर्ट की थी हमारे भैया और पापा के ऊपर, फिर 18 में भी की, फिर 20 में की, फिर 22 में आके कर दी। वही महिला, वही गवाह, वही पुलिस, वही थाना परेशान करके रख दिए हैं हमें।